वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में जो कि रेडमी नोट 5 प्रो में। तो यहाँ पे देख सकते हो एवोक ओएस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि एंड्रॉयड 11 मिल जाता है। आपको यहाँ पे एवोक ओएस का वर्जन देख सकते हो 4.1। 5th ऑफ जनवरी का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो इस रोम के बारे में बात करने वाला हूँ, इस रोम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रोम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ जो कि एंट्री डोमेन स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंट्री डोमेन स्कोर देखने को मिलेगा जो कि 1,49,000। कंपैरिजन वाइज यहाँ पे MIUI 12 और यहाँ पे MIUI 11 आपको यहाँ पे स्कोर जो है सेम देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है जो कि एक स्टॉक कैमरा है। आप यहाँ पे MI का कैमरा यूज़ कर सकते हो। वीडियो आप यहाँ पे जो है 1080 पिक्सल्स और यहाँ पे आपको जो है 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड में यहाँ पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है जो कि 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड और यहाँ पे 1080 पिक्सल 60 फ्रेम पर सेकेंड में यहाँ पे आप बेशक रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि ये जो है 4K में यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो बेशक आप यहाँ पे 4K में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद जो है फोटोज़ ले सकते हो AI के साथ और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट फोटोज़ ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर पैनारामा और यहाँ पे मैनुअल मोड। उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सभी आपको यहाँ पे गूगल्स के एप्लीकेशन मिल जाता है और यहाँ पे आपको बेशक 4G वोल्टी यहाँ पे बेशक वर्किंग है जो कि यहाँ पे आप बेशक डुअल 4G वोल्टी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डुअल 4G वोल्टी मिल जाता है। उसके बाद वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट्स यहाँ पे तीनों वर्किंग है और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में यहाँ पे आपको जो है कस्टमाइजेशन मिल जाता है जो कि आप स्टेटस बार का कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको सभी कस्टमाइज्ड मिल जाता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लॉक का कस्टमाइजेशन मिल जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लोगो अनेबल करना है तो लोगो अनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आप हैवोक उसके बाद ब्रेन और यहाँ पे आपको सभी मिल जाता है जो कि लोगो अगर आप यहाँ पे अनेबल करना है तो अनेबल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि ब्राइटनेस कंट्रोल जो कि यहाँ पे स्टेटस बार से ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। ये ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है और डबल टैप टू स्लिप जो कि स्टेटस बार को अगर आप यहाँ पे डबल टैप करोगे तो आपका डिवाइस यहाँ पे स्लिप जो कि यहाँ पे लॉक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क स्पीड जो कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप यहाँ पे अनेबल करना है तो अनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आइकॉन स्टाइल जो कि यहाँ पे सिलेंडर यहाँ पे आपको सर्कल यहाँ पे सभी ऑप्शंस मिल जाता है जो कि यहाँ पे डॉटेड सर्कल फिर सर्कल यहाँ पे टेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज अनेबल कर सकते हो जो कि आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज नेक्स्ट टू द आइकॉन इन साइड द आइकॉन उसके बाद यहाँ पे बैटरी बार और यहाँ पे स्टेटस बार आइकॉन कोई आइकॉन को अगर आप यहाँ पे हटाना चाहते हो स्टेटस बार से तो हटा सकते हो। यहाँ पे आप स्मॉल जो कि मोबाइल टाइप आइकॉन अनेबल कर सकते हो। उसके बाद नोटिफिकेशन काउंट और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि क्विक आप यहाँ पे सेटिंग्स देख सकते हो जो कि ये जो है यहाँ पे QoS स्टाइल स्टाइल जो कि इसका आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्बिएंट डिस्प्ले जो कि यहाँ पे ऑलवेज ऑन का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद जो है डबल टैप टू यहाँ पे देख सकते हो, डबल टैप करोगे तो आप टाइम और यहाँ पे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। उसके बाद पिकअप हैंड वेव पॉकेट मोड और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि जेक्सस का सपोर्ट मिल जाता है जो कि क्विक ओपन कैमरा। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन अगर आप यहाँ पे जो कि जेक्सस यूज़ करना है तो जेक्सस यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप बटन यूज़ करना है तो बटन्स भी यूज़ कर सकते हो। प्रिवेंट रिंगिंग जो कि पावर की और यहाँ पे वॉल्यूम की दोनों को एक ही बार प्रेस करने से आपका डिवाइस यहाँ पे वाइब्रेट मोड में चला जाएगा। और पावर मेनू में अगर आप यहाँ पे एडवांस रिबूट जो कि यहाँ पे एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन अनेबल करना है तो अनेबल कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे क्विक टॉर्च ऑन कर सकते हो जो कि पावर की से यहाँ पे लॉन्ग प्रेस पावर की टू यहाँ पे क्विक टॉर्च को भी आप अनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो कि 3 फिंगर्स यहाँ पे 3 फिंगर्स स्वाइप करोगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि नोटिफिकेशंस यहाँ पे एड्स लाइटिंग आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है जो कि उसको भी ऑन करके यूज़ कर सकते हो। बैटरी सेविंग आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि मीडिया और मीडिया के बाद जो है मिसलेनियस जो कि गेमिंग का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है जो कि गेमिंग मोड। अबाउट में जो है आपको यहाँ पे डेवलपर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो है ऐप्स नोटिफिकेशन में डिफॉल्ट आपको चेंज कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट आपको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बैटरी की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी बैकअप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर। यहाँ पे मैं चार्ज करने के बाद यहाँ पे यूज़ किया था, उसके बाद यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
एक्चुअल में एक स्टॉक ही होने के कारण आपके यहाँ पे बैटरी बैकअप अच्छा ही देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के अंदर आपके यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल मिल जाता है, उसके बाद डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट लाइट का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके अपनी आंखों को यहाँ पे आप बचा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको अडेप्टिव ब्राइटनेस मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आप यहाँ पे अनेबल कर सकते हो, जो कि सनलाइट और यहाँ पे नाइट में जो है अलग अलग से आपको यहाँ पे ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि स्टाइल एंड वॉलपेपर, जो कि अगर आप यहाँ पे वॉलपेपर चेंज करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे वॉलपेपर ग्राइड और यहाँ पे स्टाइल और यहाँ पे क्लॉक चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लाइव डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप रीडिंग मोड को अनेबल कर सकते हो। इसको अनेबल करने के बाद यहाँ पे फुल्ली डिस्प्ले ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, आपको यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे कलर कैलिब्रेशंस मिल जाता है, उसके बाद जो है स्क्रीन टाइम आउट 30 मिनट्स तक का मिल जाता है, उसके बाद रोटेशन फॉन्ट से डिस्प्ले से स्मॉलर स्पीड, उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन सेवर मिल जाता है, लॉक स्क्रीन मिल जाता है, जो कि ऑलवेज टाइम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे शो कर सकते हो, जो कि डिवाइस ऑफ होने के बाद भी आपको यहाँ पे टाइम और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो करेगा। उसके बाद जो यहाँ पे प्रिवेंट एक्सीडेंटली आप पिकअप, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे स्टोरेज और यहाँ पे प्राइवेसी लोकेशन, और आपको यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है, तो दोनों यहाँ पे मैं इनरोल करके टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट इनरोल हो चुका है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट बता देता हूँ। यहाँ पे फिंगरप्रिंट प्रॉपरली वर्किंग है, और उसके बाद यहाँ पे फेस अनलॉक देख सकते हो, तो फेस अनलॉक भी यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है। सिक्योरिटी के बाद जो अकाउंट एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबींग, डिजिटल वेलबींग में यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल और यहाँ पे सिस्टम, सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जो है सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, जो कि अगर आप यहाँ पे इंडियन हो इंडियन यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरा लैंग्वेज होना तो आप लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। सभी आपको यहाँ पे सपोर्टेड है, जो कि बहुत सारे लैंग्वेजेस है, कौन सा भी आप इंडोनेशिया का भी अवेलेबल है, तो सभी लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट फोन में, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 मिल जाता है, यहाँ पे आपको 4.1 वर्जन मिल जाता है, जो कि है वो ओएस का 5th जनवरी का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रॉम कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ग्राफिक सेटिंग बता दूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्मूथ के साथ हाई का ही सपोर्ट मिलता है, HD के साथ आपको यहाँ पे हाई का सपोर्ट मिल जाता है। टीम मैच, लेट्स गो।
great. You're about to win. The blue team is about to win. Death of the match is over, and the blue team is in the lead. तो यहाँ पे देख सकते हो इस रोम का परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि लैग या फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे 4K का सपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद पबजी में आपको यहाँ पे HD का सपोर्ट मिल जाता है। आपको यहाँ पे एक पिक्सल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे पिक्सल बेस्ड आपको यहाँ पे रोम देखने को मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे स्मूथ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। आपको वॉलपेपर भी आप देख सकते हो, कूल सा आपको देखने को मिल जाता है। तो बेशक आप इस रोम को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे कि रेडमी नोट 5 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।